हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए गर्मियों की स्पेशल मार्केट स्टाइल मलाईदार कुल्फ़ी। जैसी आप मार्केट में खाते हैं मलाई वाली कुल्फ़ी, दानेदार एकदम रबड़ी वाली कुल्फ़ी, वैसी ही आज हम बनाएंगे घर पर ही रखे सामानों से। इसके लिए आपको ना दूध को घंटों पकाना है, ना ही किसी कॉर्नफ्लोर और क्रीम की ज़रूरत है। ये झटपट घर पर ही रखे सामानों से तैयार हो जाएगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक फ्राई पैन और इसमें डाला है 2 कप मिल्क। मिल्क आप कैसा भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और इसे हम इसे उबालेंगे और मिल्क को हमें अच्छे से उबालना है और इसे गाढ़ा करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हमें लगातार चलाते रहना है और थोड़ा सा रिड्यूस करना है इसे। और उबलते उबलते जो इसमें मलाई आएगी उसको भी हम इसी में मिक्स करते जाएंगे, जिससे इसमें एक हमारी मलाईदार दूध बनकर तैयार होगा। तो हमें इसे आधे से थोड़ा कम ही उबालना है और जितनी भी इसमें मलाई आएगी इसको साइड करते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे, जिससे हमारे दूध का टेक्सचर बिल्कुल मलाईदार हो जाएगा। और अब जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, ये 2 कप से 1 कप हो रहा है और इसमें अच्छे से लच्छे बन रहे हैं मलाई के, तब तक हमें एक काम और करना है। हमारी कुल्फ़ी को बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरे में लिया है 1 कप दूध और इसमें मैं अब ऐड करूँगी बिस्किट। बिस्किट ऐड करने से बिल्कुल हमारी मार्केट स्टाइल कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो आप किसी भी कंपनी का बिस्किट ले सकते हैं। इसके लिए बस हमें चॉकलेट बिस्किट नहीं लेना है, ग्लूकोज बिस्किट, बटर बिस्किट हम ले सकते हैं। और इन बिस्किट को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, एकदम घोल के पेस्ट बनाना है। तो इसे अभी डिप करके 10 मिनट रहने देंगे इसी तरह से। और यहाँ हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया है और ये बनकर तैयार है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम 4 से 5 टेबल स्पून शुगर है, चीनी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर। आप इलायची के दाने भी डाल सकते हैं, इलायची कूट के भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसे मिक्स करेंगे। आप इस वीडियो के रेसिपी के पूरे स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी बिल्कुल मार्केट स्टाइल कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। आपको इसमें किसी भी कंडेंस मिल्क को डालने की या कॉर्नफ्लोर को डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 से 10 मिनट में हमारे बिस्कुट बिल्कुल घुल गए हैं दूध में एकदम। हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे और एकदम से स्मूथ सा एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसके बाद जो दूध हमने गाढ़ा करके रखा हुआ है इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से बिस्किट ऐड करने से हमें किसी भी तरह के मिल्क पाउडर या कॉर्नफ्लोर या कंडेंस मिल्क को डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसी से ही हमारी कुल्फ़ी का बहुत ही अच्छा सा एक टेक्स्चर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, बिस्किट डालने से ही इसमें एक कितना अच्छा सा एक कलर भी आ गया है। तो कुल्फ़ी के लिए जो हमें अलग से एक चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ती है वो भी अब इसमें बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर और उसे 1/2 कटोरी दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है, घोल बना लिया है। और इसे अब हम फ्राई पैन में जो बिस्किट वाला बैटर हमने बनाया है इसी के साथ मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रीमी और स्मूथ बनकर तैयार होगा ये। तो बस अब इसे मिक्स करते रहेंगे और 3-4 मिनट में ही ये हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाएगा, एकदम से रबड़ी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। और कुछ ड्राई फ्रूट पीस के डालेंगे इसमें, जिससे इसमें बिल्कुल ही दानेदार और स्मूथ सा टेक्स्चर आएगा। तो यहाँ मैंने डाले हैं 2 से 3 टेबल स्पून बादाम और पिस्ता। इनको मैंने क्रश कर लिया है और क्रश करके मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसे खाने में बहुत टेस्टी और दानेदार लगेगी। तो बिल्कुल हमारी मार्केट स्टाइल बादाम वाली मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार है, इसका बैटर बनकर तैयार है। बस हमें इसे और गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसे उतार लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे बिल्कुल। और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद, ठंडा होने के बाद हम इसे अपने कुल्फ़ी मोल्ड में पोर करेंगे। तो आप चाहें तो छोटे छोटे ग्लासेस या कप में भी इसे डाल के जमा सकते हैं, या फिर आपके पास कुल्फ़ी या आइसक्रीम मोल्ड है उसमें भी डाल के आप इसे जमा सकते हैं, इसे कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास कुल्फ़ी मोल्ड है, मैं इसी में ही इसे डाल के पोर करके अच्छे से जमने के लिए रख दूँगी। तो इसे 8 से 10 घंटे चाहिए होते हैं जमने के लिए, या आप इसे ओवरनाइट भी जमा सकते हैं।
साथ ही आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और कुल्फ़ी और आइसक्रीम की और भी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे आपसे शेयर की हुई हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में भी मैंने केसर पिस्ता कुल्फ़ी की रेसिपी आपसे शेयर की है, वो भी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और इन सभी कुल्फ़ी और आइसक्रीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल मलाईदार दानेदार कुल्फ़ी बनके तैयार है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल कुल्फ़ी है, देखने में और खाने में बिल्कुल ही बिल्कुल मार्केट वाली कुल्फ़ी की तरह बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इस पर कुछ ड्राई फ्रूट और डाल देंगे, गार्निश करेंगे इसे और इसे सर्व करेंगे ठंडी ठंडी रबड़ी वाली कुल्फ़ी। और जो इसका बैटर बचा था उसको मैंने गिलास में भी डाल दिया था, गिलास में भी जमा दिया था, तो हमारी रोल कट कुल्फ़ी स्टाइल हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो गाइस गर्मी बहुत है तो ये बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो रही है, तो फटाफट से इसका हम वीडियो बनाएंगे और फटाफट से इसे आप खाने की तैयारी करें। आप भी मेरे स्टाइल से इस कुल्फ़ी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही कम सामान में और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी कुल्फ़ी बनकर तैयार होती है। और आपने देखा ये बिल्कुल घर पर रखे ही सामानों से बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।